स्वागत है दोस्तों एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। आज है तारीख 5 जनवरी। ये है केशव भैया, तो ये है एक और नए बंदे ब्लॉग में। इनको तो आप जानते ही हो। इस बंदे ने आज सुबह ब्रश नहीं किया है। आंटी जी, इसने ब्रश नहीं किया है तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है? आंटी जी को जानता हूं। आंटी जी को मैं ये वीडियो भेजूंगा, ठीक है? ये वेदांत है, इसको हम प्यार से धोखेबाज बुलाते हैं। तो अभी इतनी ठंड पड़ रही है ना, बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। तो इतनी ठंड पड़ रही है तो अभी हमने सोचा आज क्लास नहीं जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर 5 मिनट यहाँ बैठ के जाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे। ये देखो, ये है ठंडा पानी, एक इंसान अंदर नहा रहा है, जिसको हम करने वाले हैं पूरा गीला, क्योंकि आज सबका इन सबका था कि नहाना नहीं है, और ये नहा रहा है। तो अब ये ठंडा ठंडा पानी इसके ऊपर जाएगा। भैया फोन पकड़ो। तो यार अभी चल रही है लाइब्रेरी। ये राघव भैया, ये हमारे प्रिंस भैया, और ये देखो हमने तो हमारा कोड लिख लिया है। और ये है जो हमारे राघव भैया है, ये बाइनरी सर्च की जगह, सर ने बाइनरी सर्च बोला और यहाँ पे ये क्विक शॉट करने में लगे हैं। इंटेलिजेंट लोग बड़े, फिर से कोड लिखते हुए। और ये हमारे प्रयागराज से सीधा उतरने वाले इंसान देवता। सर नोएडा में कैसा आया लगा, बोलो बोलो। आपको उस कॉफी वाले के पास जाके कैसा लगा था? वो तो कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। क्या लगा कि क्या लगा, इंजीनियरिंग बेकार है? अब चाय पीने के लिए हम आ चुके हैं। हमारे ये यश भैया हमें चाय पिला रहे हैं और ये शिवम भैया, तो चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी होते हैं पोस्टर लगाने की कार्यक्रम शुरू इन भैया के रूम में। कितने मोटिवेशनल वाले बंदे, देखो पुश योर सेल्फ, देखो स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट डूइंग। कभी इनसे पूछो खुद ने भी कुछ किया है कि नहीं किया। किसके घर से आया है गाना? आया है किसी ना किसी घर से आया है। बड़ा स्पेशल घर है जो भी है। ए राज नहीं खोलते। तो हमारे मोहित भैया लाइट निकाल के सही करते हुए हमारे भाई वो अगर आपको भी ऐसी कस्टमाइजेशन कराने हैं तो हमारे मोहित भैया को संपर्क करें, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सही बात है ना मोहित भैया? और अब हम लगाते हैं पोस्टर्स केशव भैया के रूम पे। इतने सारे पोस्टर, आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, एक पोस्टर की क्या प्राइस होगी आप देख सकते हैं। इस पोस्टर की प्राइस कमेंट में बताओ, मैं आपको बताता हूँ इस पोस्टर की प्राइस क्या है। पहले देखो कंसेप्ट करो, सोचो इस वाले की प्राइस क्या होगी और इस वाले की। देखो इसकी क्वालिटी ऐसी है पर ये शाइनी है, और इसकी क्वालिटी बहुत हार्ड है पर थोड़ा सा कम शाइनी है। तो किसी से मंगवाए थे हमने पोस्टर कुछ कुछ, तो ये पोस्टर जो है इसकी प्राइस 40 रुपए है, देख रहे हो, समझ रहे हो आप? और ये बंदा उसको पैसे भी नहीं दे रहा है। तो देख सकते हैं, इसीलिए कहते हैं सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी और का काम ना करें। तो और स्टूपिड लोकेशन देखते रहें, ऐसी ही और भी हॉस्टल की चीजों को देखने के लिए। अब हम काम कर लेते हैं।